हेलो, कितना क्यूट है भाई। हम सबसे कह रहे हैं भाई लैब्राडोर और ये जर्मन शेफर्ड मत खरीदा करो। देखो अपने इंडिया में इतने प्यारे प्यारे डॉग हैं, है ना भाई। पता नहीं लोग क्यों खरीदते हैं यार, फालतू में रुपए डालते हैं बाहर। ये कुत्तों को पालते हैं, अपने इंडिया में इतने हैं, लेना चाहिए यहाँ पर। यहाँ से उठा ले जाओ, उत्तराखंड से, कोई कुछ नहीं बोल। ये है KMVN, है ना। ये होटल है KMVN, सबसे बेस्ट। मतलब हम लोगों का, अगर हम लोग मुक्तेश्वर में आए हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस मुझे यही लगी है, क्योंकि ज़ीरो पॉइंट है। और यहाँ का फ़ायदा ये है कि आपको अगर विंटर में आते हैं तो आपको स्नो मिलेगी भरपूर यहाँ पर। और जैसे अभी इस टाइम पर बारिश तो आपको हर मौसम में मिल जाएगी यहाँ पर, कभी भी बारिश होती है कभी भी। अभी हम वहाँ बैठे हुए बारिश नहीं हो रही थी और बारिश हो गई, और उसके बाद फिर आधे घंटे में बारिश होने लगी, उसके बाद फिर बारिश बंद हो गई, है ना। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं KMVN के अंदर, और अभी हम आपको पूरा टूर करवाएंगे इसका, कि ये कैसा दिखता है। तो अगर किसी को आना है बेस्ट, बस एक्सपेंसिव है थोड़ा। यहाँ 4,000 रुपये में इनका पर नाइट है दो लोगों का, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। हाँ, तो जैसे विंटर में आते हैं तो 25 दिसंबर के बाद सबसे बेस्ट टाइम है विंटर स्नो देखने के लिए, स्नो के लिए। और बारिश के लिए तो आप कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं ना, है ना। एक मिनट, ये टेरी पैड है ना। थैंक यू भैया। भाई आइए इधर। हम लोगों ने जो टाइम लैप्स के वीडियोस बनाए थे वो वहाँ बनाए थे सारे, वो पॉइंट है। हम लोग रुके हैं 5-6 किलोमीटर, हम लोग रुके हैं मेरे ख्याल से भी 6-7 किलोमीटर पहले ना। हम लोग जो रुके हैं, हम लोगों का जो स्टे है, हम लोगों का जो स्टे है वो 6-7 किलोमीटर पहले है भाई, 6-7 किलोमीटर पहले है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो सस्ता है थोड़ा, लेकिन अगर सबसे बेस्ट जगह है तो ये है ज़ीरो पॉइंट मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इतनी टाइम से यहाँ पर हैं। हाँ, और ये जीरो पॉइंट, इसके बाद फिर सब कुछ एंड है, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। होटल जीरो पॉइंट पे ही है, खुद जीरो पॉइंट पे है। विंटर में भी सबसे ज्यादा स्नो यही देखने को मिलेगी। अभी हम लोग वो जगह दिखाते हैं जहाँ हम लोग गए थे, हाँ, टाइम लैप्स का वीडियो बनाया था। वहाँ से कॉफ़ी ले सकते हैं,
और यहाँ स्टे कर सकते हैं, और यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं हम लोग। उसी का पार्ट ये भी रेनोवेट हो रहा है, ये उसी का पार्ट है ऊपर वाले का। कल हम लोग जहाँ रुके थे अभी यहीं 1 किलोमीटर आगे रुके थे, वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब हम लोग बंद हुई बारिश उसके बाद गए 3-4 किलोमीटर नीचे गए, कोई बारिश नहीं थी, सब कुछ सूखा पड़ा था। तो अभी यहाँ पता चला कि यहाँ बारिश भी हर वक्त होती रहती है और विंटर में यहाँ स्नो भी हर वक्त होती है, सबसे ज़्यादा स्नो से भरा रहता है। और ये रहे बादल, लोग कहते हैं बादल कभी कभी यहाँ तक आ जाते हैं, इन सब जगहों पे बादल आ जाता है ना भाई। ये नहीं है बादल, बस सुकून किसी को चाहिए ना तो भाई वही यही है, हम तो कहेंगे और हम लोग इस वक्त 0 पॉइंट पे हैं और यहाँ पर रेन बहुत तेज बारिश हो रही है।